अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जब सुबह उठे तो खूब ज़ोरदार बारिश लगी हुई थी और मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो इसके बाद हमने नाश्ते की तैयारी की, नाश्ता बनाया और नाश्ता करते हुए हमने प्लान किया कि आज हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए किसी जगह पर। तो उसके बाद हमने अपने घर के काम ख़त्म किए और फिर हम निकल पड़े घूमने के लिए। तो रास्ते में हमने डिसाइड किया कि हमने कौन सी जगह पे जाना है। तो डिसाइड ये हुआ कि हम जाएंगे एमिनिनो और शिप का टूर करेंगे। तो कार पे वहाँ पहुँचना तो पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो फिर हमने कार को ट्रेन स्टेशन के आसपास पार्क किया और वहाँ से हम ट्रेन लेकर एमिनिनो की तरफ निकल गए। बहुत टाइम सेविंग है ट्रेन से सफ़र करना यहाँ पर इस्तांबुल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आप कार से जाएंगे तो आधा दिन आपका रोड्स पे ही निकल जाता है और फिर आधा दिन रह जाता है घूमने के लिए। तो अभी ट्रेन आने वाली है। फिर यहाँ से हम ट्रेन में बैठ गए और तकरीबन 45 मिनट्स में हम आया सोफिया पहुँच जाएंगे। और यहाँ हम आया सोफिया पहुँच गए हैं और आपने इसकी हिस्ट्री तो सुनी ही होगी, इस मस्जिद की। बहुत खूबसूरत जगह है, पुरान सुकून वाली। यहाँ पर अभी के नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ के फिर हम मिलते हैं। आया सोफिया में नमाज अदा करने के बाद हम लोग एमिनिनो आ गए थे। एमिनिनो से हमने शिप का टूर करना है, इसमें अभी कुछ टाइम था। और फिर हमने थोड़ा आसपास घूमे ताकि वक्त गुजर जाए। तो यहाँ पर कबूतर भी थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। आप शिप का टूर ना भी करें, यहाँ पर आकर आप फ्रेश हो जाते हैं। व्यू बहुत अच्छा है, लोगों की चहल पहल, इंसान की बोरियत दूर हो जाती है। और ये सिमत है यहाँ का मशहूर, हर कोई इसको खाता रहता है, तो हमने भी खा लिया। इसके बाद ये व्यू चेक करें, कितनी प्यारी शिप लग रही है। और इसके बाद हमारा टाइम होने वाला है शिप टूर का, तो हम उस तरफ जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये हम शिप पर बैठ गए हैं। नाउ यू हैव टू स्टे विद मी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है।
तो ये शॉर्ट सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना ख्याल रखें।